तो हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त, तो सबसे पहले आप सब भाई लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये वैसे ये वीडियो 15 अगस्त को रिकॉर्ड हो रहा है, पर 15 अगस्त को आएगा नहीं है, 15 अगस्त के काफ़ी बाद में आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप आज़ाद भारत में जी रहे हैं तो हर दिन जब सुबह आप उठते हो तो वो आपके लिए इंडिपेंडेंस डे ही होता है भाई, क्योंकि आप आज़ाद हो। तो ये तो बात हो गई हमारी आज़ादी की, लेकिन एक और खुशखबरी की बात है, और खुशखबरी ये है कि आज रात की मेरी फ़्लाइट है, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। लेकिन वीडियोस लगातार आते रहेंगे, वीडियो के लिए आप टेंशन मत लेना। अब इसी बात पे फटाफट से कमेंट सेक्शन में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख दो। अब जब मैं वापस जा ही रहा हूँ तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि उज्बेकिस्तान में कितना मेरा खर्चा हुआ है, या फिर अगर आप उज्बेकिस्तान में आ रहे हैं तो आप कितना बजट लेके चलें। इस वीडियो में मैं आपको वीज़ा, फ्लाइट, खाने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा और हर तरीके के खर्चे के बारे में खुल के बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़्लाइट की। अगर आप उज्बेकिस्तान के लिए आ रहे हैं, वैसे मैं दिल्ली से उज्बेकिस्तान नहीं, दिल्ली से मॉस्को गया था और मॉस्को से फिर उज्बेकिस्तान आया था, लेकिन अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट उज्बेकिस्तान की फ़्लाइट भी लेना चाहते हैं, मतलब ताशकंद आना चाहते हैं, तो करीब करीब एक महीने के गैप में अगर आप फ़्लाइट बुक करेंगे तो आपको 18 से 20 हज़ार रुपये में फ़्लाइट आराम से मिल जाती है। अब जब मैं आपको फ़्लाइट के बारे में बता ही रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बता दूँ साथ साथ कि सबसे सही और सबसे सस्ता ऑप्शन है उज्बेकिस्तान एयरवेज। आपको कहीं नहीं जाना, कोई आपको फ़्लाइट स्कैनर, स्काई स्कैनर कुछ नहीं खोलना, आपको डायरेक्ट जाना है उज्बेकिस्तान एयरवेज़ की वेबसाइट पे और वहाँ से आपको फ़्लाइट बुक कर लेनी है। अगर आप उज्बेकिस्तान एयरलाइन से फ़्लाइट बुक करते हैं तो भाई कनेक्टिंग फ़्लाइट का कोई चक्कर ही नहीं होता, डायरेक्ट दिल्ली से ताशकंद फ़्लाइट आती है। मस्त बैठ जाओ फ़्लाइट में, आँख बंद करके सो जाओ, आँखें खुलेंगी आपकी ताशकंद के अंदर। अब बात करेंगे वीज़ा की। वीज़ा के लिए भाई आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना है, कोई धक्के नहीं खाने, आपको डायरेक्ट जाना है उज्बेकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पे। उज्बेकिस्तान इंडियंस के लिए ई वीज़ा देता है, आपको सीधा वहाँ जाना है, अपना वीज़ा अप्लाई करना है और वीज़ा की फ़ीस आपको लगती है कुछ $40 से $50। मुझे अभी कन्फर्म नहीं है, मैं चेक करके स्क्रीन पर डाल दूंगा कि कितना डॉलर लगता है। एकोमोडेशन के बारे में भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, काफ़ी सही हॉस्टल्स यहाँ पर हैं। $5 से शुरू हो जाता है, मतलब 50 सोम 360-370 रुपये, $5 तो थोड़ा सा कम। हॉस्टल पे खर्चा करने के लिए $5 पर डे एक अच्छा प्राइस है, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक कैच बताऊंगा। आप booking.com की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से चेक करो कि हॉस्टल आपको कितने रुपए में ऑफर कर रहा है रूम। उसके बाद आप डायरेक्ट हॉस्टल में जाओ और booking.com के बारे में आपको बात ही नहीं करनी है, आप डायरेक्ट बुक करोगे और उनको booking.com में दिखाओगे क्या प्राइस आ रहा है तो वो आपको डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि जो कट उनको booking.com को देना है वो आपको डायरेक्ट एज अ डिस्काउंट दे देते हैं। खाने पर भाई मेरा डेली का 500 से 600 रुपये खर्चा हो जाता है, क्योंकि मैं खाने के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर हो, आप बजट में खर्चा करना चाहते हो तो 250 से 300 रुपये में आपका पर डे चल जाएगा। नॉनवेज अगर आप खाते हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से बेस्ट ऑप्शन है पुलाव, नान और शवरमा आप खा सकते हो। पर अगर आप वेज खाते हो तो वेज वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन हर हॉस्टल पर यहाँ पर ये किचन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बर्तन देते हैं, किचन देते हैं, आप अपना वेज ला के बना के खा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, 1400 रुपये में आप बस या फिर मेट्रो में एक स्टेशन से लास्ट स्टेशन तक आराम से जा सकते हो। मतलब अगर आप पूरे दिन घूम रहे हो और आप डिपेंडेंट हो बस और मेट्रो में, आप कोई टैक्सी नहीं ले रहे, तो 50 से 60 रुपये में पूरा दिन आप ट्रैवल कर सकते हो। टैक्सी भी अगर आप लेते हो तो 5000 सोम से टैक्सी स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार सोम में आप सिटी के अंदर आराम से कहीं जा सकते हो। 1400 सोम जो मैंने आपको बस और मेट्रो का बताया वो होता है करीब 10-10.5 रुपये, और 5000 सोम से 25000 सोम जो मैंने आपको टैक्सी का बताया वो बनता है ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये से 200 रुपये के आसपास। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ फालतू का खर्चा है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप पुराने यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर जाना चाहोगे, मीनार देखना चाहोगे, तो उसके लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ता है, टिकट लगती हैं और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी महंगी होती है। मैं कभी नहीं जाता क्योंकि मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा उतना इंटरेस्ट है नहीं, मुझे बस सिटी देखने में मज़ा आता है, लोगों से मिलने में मज़ा आता है। कपड़े धोने के लिए आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल के अंदर सर्विस मिली जाती है, और ज़्यादातर हॉस्टल्स के अंदर जो मैंने आपको बताया है कि 350 से 400 रुपये या फिर 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल का पर डे का खर्चा होता है, उसमें भाई उज्बेकिस्तान के अंदर ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होता है। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया था, उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो आपसे मिस हो गया तो फिर आपको उज्बेकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा। तो यार एक बार इन अंकल से मिल लेता हूं, ये अंकल बड़ी देर से मुझे बुला रहे हैं। यस, एवरी पीपल इन हिंदुस्तान, हेलो, कम वेलकम उज़्बेकिस्तान, कमिंग। दिस इज वेरी गुड मैन, I like. Thank you very much for talking to me, and thank you very much for taking care of me for 2 days. Okay. Rahmat. Thank you. तो यार ये अंकल एक्चुअली यहाँ पर परमानेंटली इसी हॉस्टल में रहते हैं और 2 दिन से हर चीज़ का ख्याल रख रहे थे, तूने खाना खाया, तूने नहाया, तेरे कपड़ों का क्या हुआ। तो ऑल दो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, बट लोग जब इस तरीके का ट्रीटमेंट देते तो फिर मज़ा आता है। बाय बाय, आई एम गोइंग। ओके, सी यू अगेन। चलो यार अब मेरा टाइम हो गया, मैं फटाफट से ना अंदर जाके अपना बैग वगैरह ले लेता हूँ। एक्चुअली मैंने अपना बैग हॉस्टल में ही छोड़ दिया था और मैं मार्केट वगैरह घूमने चला गया था। अब क्योंकि टाइम होने वाला है, मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, तो
तो मैं अपना बैग ले लेता हूँ और मैं आपको समरी बता देता हूँ। तो मैंने खर्चे की बात जो मैं कर रहा था, 20,000 रुपये की आप फ्लाइट पकड़ लो, 4,000 रुपये आपका लगा लो वीज़ा का, 12,000 रुपये के आसपास आपका रहने का खर्चा हो जाएगा, 10,000 खाने का पकड़ लो, 5,000 इधर उधर का एक्स्ट्रा अगर पकड़ लोगे तो 50,000 रुपये में आपका उज्बेकिस्तान का ट्रिप हो सकता है। और अगर आप सिर्फ उज्बेकिस्तान नहीं कर रहे हैं, आसपास की एक दो कंट्री और पकड़ लेंगे जिसमें आपको कोई फ्लाइट नहीं लेनी है, सिर्फ लैंड बॉर्डर क्रॉस करना है, तो ये जो मैंने आपको एस्टिमेट बताया ये और कम हो सकता है। अब मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको जरा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। फिर से मिलेंगे किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।